सेव कर दो। नेक्स्ट देखो, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, पहले जैसे प्रोसेस की, बट अभी यहाँ पे एक नाम ध्यान रखना है। आगे वाले में क्या था नाम? जावा एस, जेएस, वो पेज का नाम था, बट मैं फॉर्म का नाम क्या ले रहा हूँ वो यहाँ पे ध्यान रखना है। पूरा स्पेलिंग लिख रहा हूँ, फॉर्म वन जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, ओके। और दूसरा फॉर्म क्या क्या बना रहे हैं, फॉर्म वन डॉट HTML, मेथड कोई भी लगा सकते हो सेम, चलो गेट रखते हैं, ओके नहीं करना है यहाँ, एडवांस एडिट में जाना है। जब एडवांस प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करोगे तो कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, थ्री ऑप्शंस हैं। कई स्टूडेंट HTML के अंदर यहाँ टाइप कर देते हैं, हो सकते हैं एडवांस हो तो यहाँ पे इनलाइन में कर देगा, पर हमको कौन से ऑप्शन में, थर्ड टैब के अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर क्लियर करना है। जैसे आपको मालूम है इवेंट, ओके, और इसको हैंडल कौन करता है, इवेंट हैंडलर। तो हमारे यहाँ पे ऑन सबमिट क्या है, इवेंट या इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर, सबमिट क्या है, इवेंट है। उसको कंट्रोल लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, याद है किसी को? रिटर्न, रिटर्न स्पेस, मैं पूरा स्पेलिंग लिखना चाहता हूँ, वैलिड फॉर्म, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे मैं कोई भी आपको पर्सन पूछे या टीचर्स पूछे, भाई ये वैलिडेशन फॉर्म या VF क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन, क्योंकि एवरी फंक्शन के पीछे क्या आता है, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ओके। तो आपको क्लियर आंसर होना चाहिए, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमने खुद ने बनाया हुआ, ओके ओके कर दीजिए। वापस जैसा था ऐसा बॉक्स, कुछ इफेक्ट ऑन द स्पॉट नहीं आती है, CSS जैसा ही है, ऑन द स्पॉट, इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, डबल क्लिक करना है आपको, मैं पूछू फॉर्म का नाम क्या है, वन, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट फॉर्म, ओके ओके कर दीजिए, ओके कर लीजिए। अभी डायरेक्टली में कोई हेडिंग ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, या चलो लिख देते हैं स्टूडेंट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। प्रॉपर में हेडिंग वो जो भी आपको यूज करना है, आप CSS का भी यूज कर सकते हो, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। और मैं लेबल का यूज करके डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे ध्यान रखना है फील्ड नेम क्या है, FN, ओके। तो यहाँ पे थ्री नेम्स, और कई स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पहले से डाल देते हैं, बट बी केयरफुल, जब भी हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू आपको एंटर नहीं करना, क्योंकि वही तो हमको एरर लानी है भाई, बॉक्स आप एम्प्टी रखो तभी तो एरर आनी चाहिए। तो सब कुछ प्रैक्टिकल मिक्स ना हो जाए, इसके लिए मैं एक ही दिन में ये सब क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिकल के वीडियो देख रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, तो पहले तीनों तीन सेपरेट करो, HTML का फॉर्म अलग बनाइए, ओके, CSS का डिफरेंट करिए और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंट करिए, और लास्ट में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके बाद आपको जो तीनों दिन को मिक्स करना हो तो मिक्स कर सकते हो, ओके। मैं FN ओके कर रहा हूँ, उसके बाद सबमिट, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, यहाँ पे क्या करना है, सबमिट, सबमिट स्टार्ट, सबमिट ओवर, ये कर दिया। अभी देखो यहाँ पे अगेन सोर्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं है, CSS का कुछ हेडिंग नहीं है, जिससे ओके आगे वाला CSS का हमने वीडियो देखा या आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तो उसके अंदर क्या होगा, टाइटल के बाद क्या था, स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल ओवर था, बट वो किसने टाइप किया था, कंपोजर ने खुद ने टाइप कर दिया था, हमको कुछ खिटपीट करना ही नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करने की ट्राई करते हैं, आपस में नॉर्मल में मोड में चले जाता हूँ, इनके सब की विशेषर इसको CSS भी अप्लाई करते हैं, मिक्स करना चाहता है तो उसमें जाइए CSS अप्लाई करिए, कंपल्सरी कि H1 नहीं लेना हो, H2 ले सकते हैं, क्रिएट स्टाइल रूल, टेक्स्ट के अंदर फड़ा जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडमली मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ,
अपर केस इनहेरिटेंस वे कंसेप्ट वापस यहाँ पे आता है, अंडरलाइन ओके, ये कस्टम एक्स्ट्रा यूज करना है तब, इसके अलावा ये फोर ऑप्शन के अलावा वो अभी हमको यूज नहीं करना है। बैकग्राउंड कर लीजिए सिंपल, बॉर्डर आपको नहीं लाना तो चलेगा, और इन केस कर ही देते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ब्लू, हाँ ब्लू अच्छा लगता है। तो हेडिंग ओके, देखो साइज देखो आप, इतना इफेक्ट है पर यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं है, क्यों? इसका रीजन H1 ही सिलेक्ट किया है, क्यों ऐसा? क्या किया समझ में आया आपको? अभी तो ध्यान रखना है H2, तो H2 करना, H2 करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। देखो ये नॉर्म क्या ऐसा हुआ कि फॉन्ट का और नॉर्मल लाइन की वजह से, तो मैं आपको सीएसएस के अंदर ही लुक वाइज बेटर दिखेगा, मतलब सामने वाले पसंद ऐसे दिखेगी कुछ ओके, हेडिंग को ही कट कर दिया है ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर अभी आपको थोड़ा फोकस लेस करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऐसा। अभी हमारा मेन फोकस है सीएस जावा स्क्रिप्ट के अंदर। पेज का नाम क्या है? जेएस, वेब पेज का नाम है। फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 1 ही है। स्क्रिप्ट का नाम क्या है? वैलिडेट फॉर्म। फील्ड का नाम क्या है? FN, उसको क्या बोला जाता है? फील्ड। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, इसके लिए मैं बोल रहा था जावा स्क्रिप्ट में तो ध्यान रखना पड़ेगा मेंटली फिजिकली। आई नो वेरी वेल आपको थोड़ा हैवी डोज हो रहा है ओके, पर डोज होने का ही मेन पर्पज है ओके, थोड़ा क्लैरिफाई कर दे। अभी हम चले जाते हैं सोर्स के अंदर, देखो यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर है ही, जो ऑलरेडी सीएसएस था। अगेन टाइटल के बाद यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, स्टाइल स्टार्ट के स्टाइल ओके, चलो स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? फॉर फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या था? अभी देखो यहाँ पे मैं वो भी बोलो, वैलिड फॉर्म, टेक्स्ट बुक के अंदर वैलिडेशन फॉर्म है ओके। मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंदर भी आप, मैंने आपको क्या समझाया था? PF, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। देखो यहाँ पे जो कली ब्रैकेट है वो स्कोप जैसे ही लाइक जावा, तो जावा स्क्रिप्ट और जावा के अंदर यहाँ पे भी ये स्कोप ही रहे, ये कली ब्रैकेट स्टार्ट कली ब्रैकेट ओवर कंपलसरी है। HTML के अंदर क्या होता था? टैग स्टार्ट टैग ओवर होता था। CSS के अंदर भी क्या है? टैग स्टार्ट टैग ओवर है, उसमें भी कली ब्रैकेट भी है और टैग भी है, कॉलन और सेमी कॉलन भी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए ओके। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा वर्ड है? वेर स्पेस एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, कंपल्सरी कि यही लेना है। तो अभी टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंट, ये क्या है? बॉम्ब की सीक्वेंस है। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा? फॉर्म 1। डॉट फील्ड नेम क्या है हमारा? FN फैन डॉट वैल्यू। सब एक नहीं, एग्जाम में मिस्टेक होगी और डायरेक्टली 3-4 मार्क्स चले जाएंगे ओके। तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे फॉलो किया है, उसको बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम बोला जाता है ओके। पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर फील्ड आती है, फील्ड के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, और उसको हमने टेम्पररी एज्यूम किसमें किया? एक्स के अंदर। हम जावा के अंदर भी ऐसे ही करते थे, जैसे रूम के पहले रूम का क्लास बनाते हैं, उसका वापस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको स्पेस देते हैं ओके, बाद में उसकी वैल्यू देते हैं ओके। सेम जैसे अपने रूम का प्रोग्राम किया होगा तो उसके अंदर भी ऐसे लिखते थे, पहले लेंथ पूरा स्पेलिंग लिखते थे, बाद में शॉर्ट लिखते थे नेम। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि इफ है, इफ इफ के अंदर भी ऐसे एक्स डबल टाइम इक्वल टू को क्या बोला जाता है? इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं नल, डबल टाइम पाइप साइन, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है जावा के अंदर? हमने क्या सीखा था इसको क्या बोलते हैं? और एक्स इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, उसको बोला जाता है व्हाइट स्पेस। अगेन सेमी कॉलन
कली ब्रेकेट क्या आएगा, कली ब्रेकेट स्टार्ट, कली ब्रेकेट ओवर। देखो टेक्सट बुक का कोडिंग देखो कि लास्ट में जो कोडिंग है 46 पेज नंबर के ऊपर या 48 में, 45 है, तो ये देख के आपको ऐसे लगेगा सर इतना। पर आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेरे जैसे पहले एक एक फील्ड के अंदर अप्लाई करो, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, बाद में आप आगे जा सकते हो। ओके पहले टेक्स्ट बॉक्स की लाइए, बाद में रेडियो की लाइए, बाद में चेक बॉक्स की लाइए, टेक्स्ट एरिया की लाइए, बाद में सिलेक्शन की लाइए। सब कुछ कोडिंग टाइप करना स्टार्ट करोगे तो आपके टीचर्स भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो मना कर देंगे, क्योंकि अभी फॉर्म बनाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे अलर्ट, अलर्ट क्या है, मेथड है या फंक्शन है? ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर। यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी है? नो, ऑप्शनल है। ओके हवा के अंदर कंपलसरी है। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। एंटर योर नेम, बाद हमने वार्निंग दी इसको, वार्निंग करने के बाद उसका कर्सर फोकस लाने के लिए क्या था, सेम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट fn डॉट फोकस, जहां वैल्यू लिखा था वहां पे कि फोकस क्या है, मेथड है या फंक्शन है, मेथड है। और ये रिटर्न जीरो यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, यस। जब तक आप रिटर्न जीरो नहीं लिखोगे मीन्स एक ही बार रहेगी, बाद में वो ऑटोमेटिक अलाउड कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, आपने वो बॉक्स एम्प्टी रखा है, इसके लिए तो एरर आई। सेव करो, तो फास्ट फॉरो में ऐसा हो तो स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करो ये कोडिंग, आप नोटबुक में लिख दो प्रॉपर वे में, जहाँ कैपिटल है, स्मॉल है, कौन सा कौन सा है। ओके यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे पैरेंथेसिस अलाउड है कि नहीं है, क्यों नहीं है? फंक्शन हमने चैप्टर टू के अंदर कोई लर्न किया, फॉल्स नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ओके तो बी केयरफुल, तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। ये जैसे आप कंट्रोल प्रेस एस करते हो ये कोड में, तो वापस जैसा था ऐसे कोडिंग यहाँ पे रहेगा नहीं। जब आप देखोगे तो कुछ का फॉन्ट कलर चेंज हो जाता है, मैंने तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा था। मिस सेव एस करते हो और आप डायरेक्टली मेन स्क्रीन पे चले जाते हो, दैट्स मीन्स आपका जावास्क्रिप्ट का कोडिंग राइट है। कई स्टूडेंट यहाँ पे लिखने की ट्राई करते हैं, अरे भाई यहाँ पे नहीं लिखना चाहता है कुछ। ओके वापस ये ऑप्शन ब्राउजर का यूज करना है आपको, जैसे ब्राउजर का यूज करोगे आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं ब्लैंक ऑप्शन में सबमिट बटन प्रेस करने की ट्राई करूँ, तो देखो ब्राउजर के अंदर मीन्स गूगल क्रोम के अंदर एरर यहाँ पे दिखाई देती है एंटर योर। जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा तब तक मुझको अलाउड नहीं करेगा, मीन्स आपके ओके 6 में से अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो आ गए, इतना ही लिखना है। बट पर्सन वाइज सबको एरर अलग आती है, किसी को फर्स्ट नेम का आता है, किसी को रेडियो बटन का आता है, किसी को चेकबॉक्स का आता है, पर एटलीस्ट ये लाना भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरे क्लास के अंदर अराउंड 20 ओके जैसे 100 का क्लास है, ओनली फॉर 20-22 स्टूडेंट की एरर आती है। ओके तो ये हुआ उसका मेन। अभी ये बॉक्स को अभी देखो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जब ये एग्जाम की प्रैक्टिकल दिखा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं देखा है, इंटर एक्सप्रो में दिखाना है। इसमें थोड़ा सा और बेटर वे में एरर डिस्प्ले होती है, राइट क्लिक करिए अपर विद इंटर एक्सप्लोरर, जो हमारे रेफरेंस बुक के अंदर दिया हुआ है इसके हिसाब से। अभी यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब भी ये पेज को कहाँ पे खोल रहे हो आप इंटर एक्सप्लोरर में, तो आपको यहाँ पे वार्निंग आएगी, ये फायरवॉल है। ओके उसको डाउटफुल लग रहा है भाई, आप जो खुद पेज बना रहे हो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, पर फिर भी हम अलाउड करते हैं। ओके यस करते हैं, राइट क्लिक करके हमको क्या करना है, कंपलसरी अलाउ ब्लॉक द कंटेंट। जो कौन ब्लॉक कर दे रहा है, आपका वेब ब्राउजर ब्लॉक कर रहा है उसको, थोड़ा हमारा जो कोडिंग है ना वो डेंजरस लग रहा है। ओके तो खुद क्योंकि फायरवॉल है ना, हमने फायरवॉल का कंसेप्ट लर्न किया था, जो आउटसाइड के इंटरनेट के डेवलपर्स हैं, कोई वायरस होता है कुछ भी ऐसे लगते हैं तो उसको वार्निंग दे दें, या हमारे खुद ने ऐसा वायरस बनाया तो हम इंटर एक्सप्लोर में ओपन करने की ट्राई करें तो भी एरर। जब भी आप अलाउड करोगे, बाय मिस्टेक आपने अलाउ नहीं किया और सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा, ये एरर। ये आपने एक ही मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की, अलाउड नहीं किया। एग्जाम के अंदर ये सब सिक्वेंस ध्यान रखना है, अलाउड कर देना है, वार्निंग आएगी एक्टिव एक्स कंट्रोल की। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
However, ActiveX may be harmful your वो आपकी जावास्क्रिप्ट को क्या समझ रहा है, टेम्पररी वायरस जैसा काम है, वो आपको हार्मफुल हो सकता है। हम हमने खुद ने बनाया, हम खुद चेक कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यस ऑप्शन रख दिए। ओके, ये क्वेश्चन गूगल क्रोम में पूछा था, नो, तो ध्यान यहाँ पे रखना। अभी हम सबमिट बटन क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर वे में ऐसे बॉक्स मिलेगा। तो देखो दोनों में एरर आ रही है। ब्राउजर वाइज जावास्क्रिप्ट का आउटपुट भी क्या है, डिफरेंट है। तो आपको स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जब भी आप प्रोफेसर या टीचर्स को जब आउटपुट दिखा दे रहे हो तो मोस्टली प्रीफर करना इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ओके, ये किसका काम है, अलर्ट का। ओके, जैसे मैं ओके करूंगा फोकस यहाँ पे चला गया, ये किसका काम है, फोकस का। और रिटर्न फॉल्स, जब तक आप राइट एंट्री नहीं करोगे तब तक आपको एंट्री नहीं करने देगा। इन केस ये ऑप्शन में मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम ही लिख देता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ, सबमिट। तो ये सबमिट हो गया। मिस ये डिटेल जो थी ये वो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे form1.html लिख के क्यों आया होगा पीछे, आपको अभी समझ में आया। ये एक्शन यूआरएल का काम है। आपका जो नाम था, डिटेल जो मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, वो डिटेल कहाँ पे चली जानी चाहिए, मैंने जो एक्शन यूआरएल के अंदर लिखा था वो। मैं अभी इसके रिगार्डिंग भी सीक्वेंस आपको समझाऊंगा। एक्शन यूआरएल में मैंने अभी तक आपको बोला लोकेशन है या पाथ है, इसका भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा है ऊपर, js.html। ये क्या था, js.html फॉर्म का नाम है, सॉरी पेज का नाम है, वेब पेज का नाम है हमारा। ओके, जैसे मैं ये बटन पे क्लिक करता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे form1.html आ जाता है, पाथ एड्रेस चेंज हो जाता है। ओके, इसका लोकेशन है। आई होप सो आपको ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है।